हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वोकैब यूनिवर्स में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज डे 5 है और क्लास नंबर भी 5 है। तो बाकी की 4 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी इस वीडियो को। मेरा नाम है अभिषेक और ये लाइव नहीं चल रही है आज, मैंने ये रिकॉर्ड करके डाली है। तो चैनल का नाम है वोकैब यूनिवर्स, सभी का स्वागत है। लेट्स बिगिन दिस सेशन। और 290 वर्ड्स अभी तक हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं। 291 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 291 से हम आगे 50 वर्ड 60 वर्ड जितने भी करेंगे वो लास्ट वाले स्लाइड में पता चल जाएगा। तो डेली हम इतने 100 वर्ड्स 50 वर्ड्स के आसपास लर्न करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हम वर्ड पढ़ेंगे, उसकी हिंदी पढ़ेंगे एंड उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए 291 फर्स्ट वर्ड है हमारा कंडोमिनम। कंडोमिनम की मीनिंग मीन्स होता है एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरिया, ठीक है। चलिए आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी इस तरीके की, जिसमें अलग अलग अपार्टमेंट होते हैं हर एक लेवल पर। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। तो ये किसी एक पर्सन की नहीं होती पूरी बिल्डिंग। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर कोई और रह रहा होगा, फर्स्ट पर कोई और, सेकंड पर कोई और थर्ड पर कोई और। तो ये इस तरीके के फ्लैट्स होते हैं। आपने फ्लैट्स का नाम जरूर सुना होगा। तो उन्हीं फ्लैट्स को हम कंडोमिनियम बोलते हैं, फ्लैट की तरह का घर। तो फ्लैट की तरह का जो घर होता है, एक ही फ्लैट मिलता है उसमें, लेकिन बाकी का एरिया जो वहाँ पे कुछ गार्डन होगा या कोई स्विमिंग पूल होगा वो सब शेयर करते हैं उसमें रहने वाले लोग। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडोमिनियम। नेक्स्ट है कंडन। कंडन मीन्स माफ करना। फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, किसी भी शिकायत के लिए, कुछ किसी भी गलत काम के लिए, किसी करने जो किसी ने किया है उसको माफ कर देना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं कंडन। नेक्स्ट है कन्फेक्शनर। ये दो बार आया हुआ है। कन्फेक्शनर मीन्स मिठाई बेचने वाला। अ पर्सन और अ कंपनी दैट मेक्स और सेल स्वीट्स और चॉकलेट, जो कि मिठाई या चॉकलेट बेचती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर बोलते हैं। आपने सुना होगा कन्फेक्शनरी शॉप्स, जहाँ पर केक वगैरह मिलते हैं। तो केक कैसा होता है, मीठा होता है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनरी शॉप्स। और उनको बेचने वाले को क्या बोलेंगे, कन्फेक्शनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्फिसकेट। कॉन्फिसकेट, कॉन्फिसकेट मीन्स जब्त करना, ठीक है। ये एक वर्ब है, जब्त करना, वो कार्य कर रहा है तो इसलिए ये वर्ब है। टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, किसी पर्सन से ऑफिशियली, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर से ऑफिशियली उससे कुछ चीज ले लेना, उसी को कन्फिसकेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कन्फ्लेग्रेंट। कॉन्फ्लेग्रेंट मीन्स जलता हुआ, कम्बशेबल और फ्लेमेबल, ठीक है, जो कि जलने वाली चीज है उसको कन्फ्लेग्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस मीन्स संगम, जैसे कि बहुत सारी नहीं, दो या तीन नदियां एक साथ आके मिलती हैं तो उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं। जैसे कि इलाहाबाद में तीन नदियों का मिलन का संगम है, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों आके मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्फ्लुएंस, ठीक है। प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट। नेक्स्ट है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मीन्स बर्थ से, बाई बर्थ, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ बर्थ से रहना, ठीक है, जन्म जाति या उसके पास जन्म से ही होना ही वो चीज, किसी के पास, कुछ लोगों के पास जन्म से ही कुछ चीजें होती हैं तो वो कंजेनाइटल होती हैं। नेक्स्ट है कंग्लोमेरेट, कंपनियों का एक समूह। अ कॉरपोरेशन मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन अ डाइवर्सिफाइड फील्ड, ठीक है, अलग अलग फील्ड में काम करने वाली कंपनियों का जो ग्रुप होता है, कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, उसको कंग्लोमेरेट मेरेट बोलते हैं, कंग्लो मेरेट। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है एन असेंबली ऑफ वर्शिप, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स,
धार्मिक सभा, कोई भी धार्मिक सभा जो हो रही है उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन, या फिर अ गैदरिंग एट रिलीजियस प्लेस, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग आके इकट्ठा होते हैं उनको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंजेस्चर। कंजेस्चर क्या होता है? निराधार कल्पना, कोई ऐसी कल्पना जिसका कोई आधार ना हो उसी को कंजेस्चर बोलते हैं। ठीक है, एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है उसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के आधार पर ही क्या कर लेना, कोई कंक्लूजन निकाल लेना या कोई ओपिनियन बना लेना, उसी को ही हम कंजेस्चर बोलते हैं। ठीक है, कंजेस्चर। नेक्स्ट चलते हैं 301। 301 है कोनाइसुर। कोनाइसुर मीन्स विशेष या पारखी। ठीक है, कोनाइसुर जो है एक अ मैन हु नोज अलॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में या किसी भी आर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो, उसके बारे में जानता हो, उसको कोनाइसर बोलते हैं, कोनाइसर। नेक्स्ट है कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, कभी कभी हमारे अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है जिससे हमें पता चल जाता है कि यार कुछ तो गलत हो रहा है इसमें, तो उस फीलिंग को क्या कहते हैं? कंसाइंस। ठीक है, जमीर, आपका जमीर, आपकी अंतर आत्मा बोलती है वो। नेक्स्ट है कंसीशुअस। कंसाइंसुअस को साइंस यस, ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं, को साइंस यस, गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही सेंसेस से क्या किया जाए तो पालन करे। ठीक है, तो उसी को कंसाइसियस बोलते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। अ केयरफुल प्रजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आर, इज द नीड ऑफ आर। इस प्राकृतिक संरक्षण को ही क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन बोलते हैं। ये हमारा प्यारा वो के यूनिवर्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है? रूढ़िवादी। ठीक है, अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंजेस, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बड़े बदलाव को या बड़े चेंजेस को क्या करे, अपोज करे, उनको एक्सेप्ट ना करे जल्दी से। ऐसे ही समाज में बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंसोल। कंसोल मीन्स सांत्वना देना, कंफर्ट समवन एट द टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, किसी भी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट या किसी भी बुरे वक्त में किसी को क्या देना, कंफर्ट देना। ठीक है, उनको सांत्वना देना, उसी को हम कंसोल बोलते हैं। नेक्स्ट है कंस्टिलेशन। कंस्टिलेशन 6 बार आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ शेप इन स्काई एंड हैज अ नेम, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। आपने देखा होगा रात में जब तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, बहुत सारे स्टार्स इस तरीके से बने हुए, तो आपने देखा होगा कई सारी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं उनको, है ना, कोई ऐसी स्ट्रक्चर रहती है कि एक व्यक्ति है वो क्या चला रहा है, ऐसा एरो चला रहा है इस तरीके से, ऐसे हम मिला के क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, तो उसी उसी ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? नक्षत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन कॉन्स्टरनेशन मीन्स घबराहट। घबराहट होती है, ए स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, तो उसी को ही कंस्टरनेशन बोलते हैं, कंस्टरनेशन। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंड। कॉन्स्ट्रेंड मीन्स इम्पोज्ड अ रेस्ट्रिक्शन ऑन, ठीक है, किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना, विवश किया हुआ, ठीक है, या फिर विवश किया हुआ, तो उसको कॉन्स्ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, किसी को बांध के रखना, मतलब इस उसकी लिमिट्स में, ऐसे किसी रस्सी से बांध के नहीं, लिमिट्स में, ठीक है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देना कि भाई तुम शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, या तुम इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं, उसको विवश कर देना अपनी एक लिमिट्स में रहने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट मीन्स उत्कृष्ट, एक्सट्रीमली स्किल्ड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके की स्किल पाई जाती है, ठीक है। वो पढ़ते अच्छा है और याद खेलते भी अच्छा है, ठीक है, वो गाना भी अच्छा गाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कंज्यूमेट, उत्कृष्ट। नेक्स्ट है कंटेजियस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3 बार आ चुका है और भी आ सकता है आगे भी, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। कंटेजियस, कंटेजियस मीन्स इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लाइक अ डिजीज विच स्प्रेड विद कॉन्टैक्ट, ठीक है, किसी के कॉन्टैक्ट होने से फैलने वाली चीज डिजीज ऐसी होती है, वो कंटेजियस होती है, संक्रामक होती है, जैसे कि अभी रिसेंटली क्या गया, कोविड-19। तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। 312 पे हम पहुंच चुके हैं और ये है कंटामिनेटेड। ये किससे रिलेटेड है? कंटेजियस से ही आप कंटामिनेटेड याद रख सकते हैं, गंदा कर देना, ठीक है, दूषित। समथिंग मेड अप ऑफ इम्प्योर बाई एक्सपोजर टू पोल्यूटिंग सब्सटेंस, ठीक है, कुछ पोल्यूटिंग सब्सटेंस है उसके एक्सपोजर में आने के बाद कुछ किसी उसके अंदर क्या आ जाती है, इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, जैसे कि साफ पानी है उसके अंदर मिट्टी चली गई, धूल मिट्टी चली गई, उसको फिर वो कैसा हो जाएगा? कंटामिनेटेड हो जाएगा, वो गंदा वाटर हो जाएगा, इम्प्योर वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मीन्स समकालीन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा भी होगा ये पहले और आपको याद भी होगा इसका मीनिंग। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से किस के आसपास बिलोंग करना। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, ठीक है, एक पर्सन कोई फेमस पर्सनैलिटी है उसी के साथ भी वो भी जी रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ररी। जैसे कि कौन, अभी मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट करते हैं कंटेंडेड। कंटेंटेड, सॉरी, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट, एकदम सेटिस्फाइड। समवन हु इज सेटिस्फाइड विद लाइफ इज जनरल, ठीक है, जो कोई भी अपने जीवन के साथ क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है, उसको कंटेंटेड बोलते हैं, ठीक है, वो कैसा पर्सन है? कंटेंटेड पर्सन है। नेक्स्ट है कंटिगुअस। कॉन्टिगुअस मीन्स निकट वर्दी, क्या? निकट वर्ती, सबसे पास वाला। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, ठीक है, कोई बाउंड्री है उसके साइड में कुछ चीज है तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिग्यूअस, ये इसके बाउंड्री से टच कर रहा है, इसके पास में रखा हुआ है। नेक्स्ट है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मीन्स एन इवेंट दैट मे नॉट है, मे और मे नॉट हैपन, कोई भी बात हो सकती है, कोई भी इवेंट है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इस तरीके से उसको क्या बोलेंगे हम? कंटिजेंसी, ठीक है, जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हो, इसको हम आकस्मित बोलते हिंदी में। नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मीन्स वर्जित माल, ठीक है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। कोई भी ऐसी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते कहीं बाहर किसी और कंट्री से, और अपने यहाँ पर बनाकर एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो अगेंस्ट द लॉ है। जैसे कि ड्रग्स होते हैं कुछ, जिनको हम ना इम्पोर्ट कर सकते, ना एक्सपोर्ट कर सकते, ना सेल कर सकते, ना खरीद सकते, तो वो क्या है? कॉन्ट्राबैंड है, ठीक है, हर तरीके से वर्जित है वो। नेक्स्ट है कॉन्वालेसेंट। कॉन्वालेसेंट मीन्स बीमारी से ठीक होना, कोई बीमारी है उससे ठीक होना। अ मैन इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक है, अपनी बीमारी से, अपनी इलनेस से रिकवर कर जाना, कॉन्ट्रावलेसेंट, सॉरी कॉन्वालेसेंट, कॉन्वालेसेंट। ये हमारा प्यारा वोकैब यूनिवर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट है कन्वेंट। कन्वेंट मीन्स कोई भी मठ, ठीक है, अ प्लेस वेयर नंस लिव एंड वर्क, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर नंस, नंस क्या होती हैं, जो जो किसी भी धर्म में फीमेल होती हैं और वो उस धर्म को फॉलो करती हैं, ठीक है, वो उसी धर्म के लिए ही जीती हैं, फिर उनको नंस बोलते हैं। नेक्स्ट है कोरोनेशन। कोरोनेशन वर्ड आपने सुना ही होगा, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, ठीक है, अभी कुछ समय पहले ही जो लंदन के किंग है उनका कोरोनेशन हुआ था, तो किसी किंग का किंग को क्राउन से क्राउन देना, उस सेरेमनी को क्या बोलते हैं? कोरोनेशन। नेक्स्ट है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मीन्स टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, किसी भी साक्ष्य के बिहाव पर ये कंफर्म करना, पुष्टि करना, ठीक है, उसको कोरोबोरेट कहते हैं। नेक्स्ट है
कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी क्या है? साइंस ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। कोई भी यूनिवर्स है, जैसे कि हमारा ही ब्रह्मांड है जिसके अंदर अलग अलग प्लैनेट्स पाए जाते हैं, उसकी साइंस, उसकी इंस्टीट्यूट, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, या उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं इस समय पे, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोग्राफी। ठीक है, एक ग्राफ होता है, एक कंस्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है साइंस के अंदर, तो वो क्या है? किसी भी यूनिवर्स का कॉस्मोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मो पोलिटन। कॉस्मोपोलिटन मीन्स अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री, या फिर वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ ऑल नॉट ऑफ अ कंट्री बट द वर्ल्ड। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ये कहता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फील करा सकता है, किसी भी कंट्री में अपना घर, तो उसको कॉस्मोपोलिटिन कहते हैं, यानी कि पूरे विश्व भी उसका घर है, उसको कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं। नेक्स्ट है कपलेट। कपलेट यानी कि अ स्टेंजा हैविंग टू लाइन्स इन अ वर्स। कोई भी कविता है उसके अंदर एक स्टेंजा है जिसमें दो लाइन हो सिर्फ, उसको कपलेट बोलते हैं। नेक्स्ट है कावर्ड। कावर्ड मीन्स अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल्स, जो कि कैटल्स की केयर करता हो, उनकी देख रेख, उनका खाने पीने का सब करता हो, उसको कावर्ड बोलते हैं। कावर्ड नहीं, काउहर्ड। काउ मीन्स गाय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं G26। नेक्स्ट है क्रेडिबल। दो बार आया है ये, इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिसके ऊपर हम बिलीव कर सके, ट्रस्ट कर सके, उसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस जैसे कि भोला भाला व्यक्ति, कोई भी, अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स इजिली। ठीक है, जो बहुत आसानी से ही दूसरों में क्या कर लेता है, बिलीव कर लेता है, उन पर विश्वास कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? क्रेडुलस। नेक्स्ट है क्रीड। क्रीड क्या होता है? एक तरीके का रिलीजियस सिस्टम होता है या संप्रदाय होता है, सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, और फेथ, इसमें वो फेथ रखते हैं, उसी को क्रीड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम क्या होता है? प्लेस वेयर अ डेड पर्सन बॉडी इज बर्न। ठीक है, जहाँ पे डेड पर्सन की बॉडी को, डेड बॉडी को जलाया जाता है, उसी को ही क्रेमेटोरियम बोलते हैं। ठीक है, और जलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजेंगे। ओके, अब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इन अच्छी अच्छी वीडियोस का फ्री में लाभ उठा सके। नेक्स्ट है क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है? संकट। ठीक है, संकट, टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर या डिसीज, किसी भी, कोई भी डिसीज या कोई भी ऐसा डेंजर पॉइंट आना, उसी को ही क्राइसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन क्या होता है? प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड। जिस कोई भी ऐसी ऐसा प्रिंसिपल या ऐसा बेंचमार्क जिस पे हम किसी भी चीज को जज कर सके, उसी को क्राइटेरियन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिक। क्रिटिक वो होता है, क्रिटिक वन हु फाइंड नथिंग गुड इन एनीथिंग, किसी भी सिचुएशन में या किसी भी चीज में वो अच्छा ना सोच सके या अच्छा ना ढूंढ सके, उसी को एक क्रिटिक बोलते हैं। ठीक है, वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज करता रहता है, तो क्रिटिक से ही बना हुआ है क्रिटिसाइज। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्रम्बल। क्रम्बल मीन्स टूटना या चूर चूर हो जाना, जैसे कि ब्रेक और फॉल अपार्ट इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन। डिटोरिएशन क्या होता है? किसी भी चीज का गलना, सड़ना, छोड़ना, तो इस तरीके से उसको कहेंगे हम क्रम्बल। नेक्स्ट है क्रूसेड। क्रूसेड मीन्स अ डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। ऐसा कैंपेन मतलब लगातार चलने वाला कैंपेन, कहीं भी पॉलिटिकल या सोशल और रिलीजियस चेंज करने के लिए और सिफरिंग कोड्स और साइफर्स। ठीक है, कुछ ऐसे कोड्स या कुछ ऐसी चीजें लिखना, जिन लिखने वाला डिवाइस जिसको हम क्रिप्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और उसी लैंग्वेज को हम क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कल्पेबल। गिल्टी ऑफ क्राइम, कोई भी क्राइम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कल्पेबल बोलते हैं, यानी कि कल्प्रिट। नेक्स्ट है कल्चर। संस्कृति, ऑल द आर्ट्स बिलीफ एंड सोशल इंस्टीट्यूशन इटीडी, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस, किसी भी रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम कल्चर बोलते हैं। जैसे कि इंडिया का अपना अलग संस्कृति, अलग कल्चर है,
जापान का अलग है, यूएसए का अलग है, ब्रिटेन का अलग है, तो इसी तरीके उसको हम रहने सहने का बिलीव, कैसे वो रहते हैं, उनकी आर्ट्स क्या हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है, पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। कोई म्यूजियम है जहाँ पर अलग अलग चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं लोगों के डिस्प्ले के लिए, लोगों के देखने के लिए, उसका इंचार्ज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है कर्फ्यू। कर्फ्यू सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इनडोर, ठीक है, एक ऐसा सिग्नल या एक ऐसी स्टेज, ऐसी स्थिति जहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है और लोगों को अपने घर के अंदर रहने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, उसको हम, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कर्फ्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या आता है, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, किसी भी चीज को सीखने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। करेंसी आप सभी लोग जानते हैं, द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम होता है जो एज अ यूज होती है, उसी को करेंसी बोलते हैं। सैनिक, सैनिक दो बार आया हुआ है, सैनिक क्या होता है, वन हु सीज द एम एंड बिलीफ ऑफ हिज फेलो मैन, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है इसमें, अपने साथी में, तो उसको हम क्या करते हैं, उस कहते हैं सैनिक बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन, ठीक है, जो मानव द्वेषी होता है, अब जो ये बिलीव करता है कि ह्यूमन एक्शन सिर्फ सेल्फिशनेस की वजह से ही मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया क्या होता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, डॉग्स से डरना, डॉग्स का एक्सट्रीम फियर, जो डॉग को देखते ही दूर भाग जाता है, ठीक है, उस डर को क्या कहते हैं, साइनोफोबिया। ये हमारा प्यारा वोकैब यूनिवर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट है साइनोसोर। साइनोसोर दो बार आ चुका है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण बिंदु कहते हैं हम इसको, उसको साइनोसोर, ठीक है, जैसे कोई पब्लिक प्लेस पे अगर कौन आ जाए, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ जाए, एक्ट्रेस आ जाए, उस तो वो क्या बन जाएगी, वहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, साइनोसोर, ठीक है। कैटरीना कैफ इज द साइनोसोर ऑफ दिस प्लेस। नेक्स्ट है साइफर, अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। साइफर क्या होता है, सीक्रेटिव वे होता है राइटिंग करने का या लिखने का, ठीक है, गुप्त लिखावट होती है जो सिर्फ उसी पर्सन को समझ में आती है जिस पर्सन के लिए वो लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, सेल्स के साथ डील करना या सेल्स की स्टडी को ही हम साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है डेडलॉक, अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। इस वर्ड का यूज किस गेम में किया जाता है, ये मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन जब जिसके फर्दर, जिसके आगे कोई भी प्रोग्रेस या कोई भी चीज नहीं की जा सकती, उसको डेडलॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है डेकार्ड। डेकार्ड मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, ये सब लोग जानते हैं, 10 साल का एक पीरियड को हम डेकार्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेमेशन, एक्ट ऑफ इंजरी अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्टैंडर्स कम्युनिकेशन, किसी भी स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन बोल गया, कुछ भी कह के किसी सामने वाले एक्टर, सामने वाले पर्सन की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाना या उस मानहानि करना, उसी को डिफेमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डिफेम, इंजर्स वंस रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, डिफेम कहते हैं। डिफाइंस, डिफाइंस मीन्स ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, किसी भी ऑर्डर का ओपनली मना कर देना, ठीक है, उसको रिफ्यूज कर देना कि हम नहीं मानेंगे इस ऑर्डर को, उसकी अवज्ञा कर देना, उसको क्या बोलते हैं, डिफाइंस। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाना, अ शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स मिनरल्स ईटीसी नीडेड फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की शॉर्टेज हो जाना, उसी को डेफिशिएंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेट, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देना, इसी को डेलीगेट बोलते हैं, अपना प्रतिनिधि बनाना। नेक्स्ट है डिलिब्रेशन। डिलिब्रेशन मीन्स स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट ऑफ थॉट, थॉट का स्लो, धीरे से और केयरफुली सोच समझ कर करना, ठीक है, किसी चीज को, उसको बोलते हैं डिलिब्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट क्या, कौन होता है, अपराधी, यंगर पर्सन,
अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, कोई भी माइनर क्राइम कमिट करना उसी को ही डेलिक्वेंट बोलते हैं। डेलिक्वीज, ठीक है, डेलिक्वीज मीन्स गलना। बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन होता है कोई चीज़ सड़ती या गलती है उसी को डेलिक्वीज बोलते हैं। नेक्स्ट है डेमागोग, डेमागोग मीन्स अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रीजस्टिस, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है वो अपील कर रहा है इसके लिए पॉपुलर डिजायर एंड प्री जस्टिस, ठीक है, वो डिमांड कर रहा है क्या जनता से, मतलब एक तरीके से कि वो चीजें सही तरीके से हो, ठीक है, तो उसी को डेमोगोज बोलते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी 3 बार आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सभी जानते भी होंगे। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जनतंत्र बोलते हैं हिंदी में इसको, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की एक क्या होती है, आज़ादी होती है, फ्रीडम होता है इसमें, ठीक है, उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये हमारा प्यारा वोकैबुलरी न्यूज़, प्लीज सब्सक्राइब। ओके नेक्स्ट है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनता की स्टडी करना, उसी को ही डेमोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट है डीनेचर, टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वांटिटी ऑफ क्वालिटीज ऑफ, ठीक है, किसी भी चीज की नेचुरल क्वालिटीज को अलग कर देना, उनको ऑल्टर कर देना, उसी को डीनेचर बोलेंगे। नेक्स्ट है डेनिग्रेट, डेनिग्रेट मीन्स क्रिटिसाइज अनफेयरली, किसी को बदनाम करना, ठीक है, गलत वे में, गलत तरीके से, किसी को डेनिग्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है डेपिक्ट, डेपिक्ट मीन्स किसी चीज को पोर्ट्रे करना, शब्दों से बयां करना, पोर्ट्रे इन वर्ड, शब्दों में वर्णन करना, उसी को ही डेपिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है डेपोनेंट, डेपोनेंट क्या होता है, पर्सन हु गिव्स रिटर्न टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट, ठीक है, किसी भी कोर्ट के अंदर अपनी रिटर्न में क्या देना, टेस्टिमनी, गवाही देना, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, डेपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर गवाह हिंदी में ये बोल सकते हैं आप। डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड मीन्स मॉरली करप्ट, एकदम भ्रष्ट व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, एकदम भ्रष्ट व्यक्ति, उसी को डिप्रेव्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिकेट, टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिस अप्रूवल, किसी चीज का विरोध करना, ठीक है, या अपनी अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करना, इसी को डेप्रिकेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ये डेप्रिशिएट, ठीक है, डेप्रिशिएट मीन्स किसी का मूल्य कम कर देना, किसी की वैल्यू कम हो जाना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है डिरेंज्ड, डिरेंज्ड मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, मन के असंतुष्ट, मन की बीमारी की वजह से किसी चीज का क्लियरली ना थिंक होना, इसी को ही डिरेंज्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है डिरिलैक्ट, सॉरी शायद, ओके डिरिलैक्ट। नेक्स्ट है 368 डिरिलैक्ट, अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी, कोई भी आवारा व्यक्ति डिरिलैक्ट बोलते हैं उसको, तो ऐसा पर जिसके पास ना तो घर है, ना ही जॉब है, ना ही कोई प्रॉपर्टी है, उसी को डिरिलैक्ट बोलते हैं। रिलैक्सेशन, ठीक है, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, ठीक है, अपनी ड्यूटी को त्याग करने से या उसको छोड़ने में फेल हो जाना, उसको डेलीगेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिराइड, डिराइड मीन्स टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूल वे, किसी का मतलब मजाक उड़ाना, उपहास करना, उसी को डिराइड बोलते हैं। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट, ऐसा व्यक्ति, ऐसे डॉक्टर जो स्किन डिसीज को ट्रीट करता हो, उसी को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी, डर्मा मीन्स स्किन, क्या होता है डर्मा का मीनिंग स्किन, ठीक है, लॉजिस्ट मीन्स डॉक्टर और लॉजी मीन्स स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है डेजर्शन, डेजर्शन मीन्स द अबंडेंट अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, ठीक है, अपनी कंट्री का त्याग कर देना, उसी को ही बोलते हैं डेजर्शन, डेजर्शन। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मीन्स अ पर्सन विदाउट मनी, जिसके पास कोई मनी नहीं है, कोई कैश नहीं है, ठीक है, ये $100 हो गए। नो फूड, नो अदर थिंग जो कि नेसेसरी है किस चीज के लिए, जीवन के लिए, लाइफ के लिए, उसी को ही क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट, बदहाली। नेक्स्ट है डिटेक्टिव, आप सभी लोग जानते हैं जासूस। डिटरेंस, डिटरेंस मीन्स रुकावट डालना, द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टॉलिंग डाउट और फियर इन फेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस, किसी के मन में ये
डर डालना कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, डिस्करेज करना, उसके एक्शंस में रुकावटें बाधा डालना, उसी को डेटरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है डीवीएस। डीवीएस क्या होता है? शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो चीटिंग करके अपने किसी गोल को प्राप्त करता है उसको डीवीएस बोलते हैं, धूर्त व्यक्ति बोलते हैं, चालाक आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेक्सटीरस। डेक्सटीरस मीन्स स्किलफुल विद योर हैंड। ठीक है, निपुण होना किसी कार्य में, उसी को डेक्सटरस बोलते हैं। डायग्नोस आप सभी लोग जानते हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिसीज, किसी भी डिसीज को टेस्ट करके पता लगाना कि ये क्या है, इसकी नेचर कैसी है, उसको डायग्नोसिस बोलते हैं। डायग्नोस वही प्रोसेस, प्रोसेसिंग को डायग्नोसिस। डायलैक्ट। डायलैक्ट मीन्स अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज पेक्यूलर टू स्पेसिफिक रीजन। कोई भी बोली, कोई भी लैंग्वेज जो एक स्पेसिफिक रीजन में यूज की जाती हो, बोली जाती हो, उसी को डायलैक्ट बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के डायलैक्ट होते हैं। ठीक है, नॉर्थ में अलग, ईस्ट में अलग, साउथ में अलग, लेकिन कॉमनली वो क्या एक ही जगह के क्या है, इंडिया के ही है। नेक्स्ट है डायट्राइब। डायट्राइब मीन्स बिटर वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। कोई भी अपने शब्दों से कड़वा कड़वा बोलता है और अटैक करता है, वायलेंट अटैक, लेकिन कैसे, बोल के, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, डायट्राइब। डायट्राइब। नेक्स्ट है डिक्टेटर। आप सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, तानाशाह। अ रूलर विद टोटल पावर ओवर अ कंट्री, किसी भी कंट्री के ऊपर अपनी पूरी तरह से पावर कर लेना, डिक्टेटर बोल कर लेना, उसी को डिक्टेटर बोलते हैं या डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि किम जोंग उन, कहाँ का, नॉर्थ कोरिया का, कौन है वो, डिक्टेटर है नॉर्थ कोरिया। चलिए डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल मीन्स तानाशाही, गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, जिसका कोई भी रिफ्यूजल नहीं कर सकता, कोई भी ठुकरा नहीं सकता उस आदेश को, तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्टेटोरियल। नेक्स्ट है डिक्शनरी। आप सभी लोग जानते हैं शब्दकोश, ऐसी किताब जिसके अंदर अलग अलग वर्ड के मीनिंग बताए जाते हों। नेक्स्ट है डिफ्यूज। डिफ्यूज मीन्स स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, बहुत सारा ग्रुप है या एक बड़ा एरिया है, उसी में स्प्रेड कर देना, भाई ये हम कुछ चीजें लेके आए, ये सब में बांट दो, ये फैला दो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, डिफ्यूज करना। नेक्स्ट है डायलेमा। डायलेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल ऑल्टरनेटिव और कन्फ्यूजन। तो डायलेमा मीन्स होता है दुविधा, ऐसी सिचुएशन जो किसी भी दो अनडिजायरेबल चीजों में चॉइस करने के लिए कंफ्यूज करती है, उसको डायलेमा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिलेटेनेट। ये डाइल्ट, इसमें एक टी साइलेंट रहता है, डाइल एनेट, डाइल्ट एनेट, ये जो भी आप एक बार इसको सर्च कर लेना, ये मुझे भी सही से प्रोनाउंस नहीं होता, मैं बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेना। इसका मीनिंग होता है अ डैबलर इन अ आर्ट एंड अ लिटरेचर, या फिर मस्त मौला। ठीक है, मस्त मौला। नेक्स्ट डिलीजेंट। डिलीजेंट बहुत मेहनती, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, आप कैसे हो, डिलीजेंट एस्पिरेंट्स। शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क या ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज या अपने कार्य में कैसा एफर्ट दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया क्या होती है, ये आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, शायद ये नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूँ। डिप्सोमेनिया होती है शराब की लत, इररेजिस्टिबल क्रेविंग ऑफ एल्कोहल। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एल्कोहल पीता है उसकी, इसको बार बार क्रेविंग हो जाती है और इसको वो रोक नहीं सकता, रोक नहीं पाता, उसको डिप्सोमेनिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्रेविंग को, तो शराब की लत लगना, डिप्सोमेनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे 391, यानी कि आज हमने कितने वर्ड पढ़े, कितने वर्ड याद किए, 100 वर्ड्स। हम डेली 100 वर्ड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक जरूर कीजिए, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको नए नए वर्ड्स डेली सीखने के लिए मिलते रहें। तो ये ब्लैक बुक सीरीज के डे नंबर 5 और क्लास नंबर 5 था। ठीक है, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल वोकैब यूनिवर्स। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।